हिंदू पढ़ने के लिए काफी सारा टाइम चाहिए होता है, लेकिन हम आपको इसे शॉर्ट में कराएंगे। जो जो आपको हमने हाईलाइट किया, सिर्फ हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। वही चीज आपके जानने के लिए इम्पोर्टेंट भी होगी, और जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी, और इक्वल करंट इवेंट्स जो होंगे उसके लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट। स्टार्ट करेंगे आज के हम द हिंदू में। तो पहली जो फ्लाइट है उसमें 360 इंडियंस को सूडान से वापस लेके आया। आपको पता है सूडान में क्या चल रहा है, सूडान में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और जिसमें इंडियंस के खिलाफ भेदभाव किया गया। अब जैसे ही भेदभाव किया गया तो काफी सारी हिंसात्मक घटनाएं भी उनके खिलाफ हुई, तो जिससे काफी सारे पब्लिक में फियर फैल गया, डर फैल गया, डर की स्थिति फैल गई। वहां पे एनआरजी का माहौल बनने लगा और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर एयरपोर्ट के पास छुपने लगे, रेलवे स्टेशन के पास, जितने होटल्स थे वहां पे लोगों ने रहना सेफ समझा, तो अपनी लाइफ को सेव करने के लिए तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, सूडान से इवैकुएट करना स्टार्ट कर दिया। तो वहां पे हमारे जितने इंडियंस लोग थे उन को भी ये सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी, तो हमारी जो सरकार है उन्होंने ये हेल्प किया है, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, अब एक और हेडलाइन पढ़ लेते हैं कि जो चाइना के प्रेसिडेंट है जी, उन्होंने पहला कॉल किया जेलेंस्की को पीस बिड के लिए, तो ये भी न्यूज इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे हम आपका। तो सबसे बड़ी जो आज की न्यूज है वो यही है कि 10 जवान आपके ब्लास्ट में शहीद हो गए, कहां, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। सिविलियन ड्राइवर की भी मृत्यु हो गई है। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड टीम वाज रिटर्निंग फ्रॉम एंटी नक्सल ऑपरेशन। एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और वहीं से वो सब लोग आ रहे थे। 2 साल में आज तक का सबसे बड़ा हमला है ये देखिए जो होल हो गया, ये धमाके की वजह से हुआ। इतना हैवी धमाका था कि इतना बड़ा ये क्या हो गया, होल हो गया, एक छत्तीसगढ़ के अंदर। ये जो फोटो ली गई है वेडनेसडे में ली गई थी। अब आके चलते हैं हम अगली न्यूज पे। देखिए, अटैच द प्रॉपर्टीज ऑफ दोस हु। अब आपको पता है कि एक केस हुआ था वेस्ट बंगाल में, क्या हुआ था कि अटैक हो गया था पुलिस स्टेशन में, किस जगह, कालियागंज टाउन में, जो कि उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसमें क्या हुआ कि एक पुलिस स्टेशन पे अटैक हो गया, और जिस जिसने अटैक किया था, तो वेस्ट बंगाल की जो सीएम है श्री ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है कि उनकी जितनी प्रॉपर्टीज है उनको सील किया जाए। अब आगे चलते हैं अगली हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज पे। आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज देखिए, डिस्पाइट कोर्ट स्टे ओटीटी प्लेटफॉर्म फेस प्रेशर ऑन कंटेंट। अब देखो कोर्ट ने क्या करा है कि फरवरी 2022 में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल किया था एक ग्रीवियंस ऑफिसर बैठाने के लिए, कि अगर पब्लिक को कोई समस्या हो गई तो उसमें आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सके, लेकिन उसकी तरफ से ज्यादा कोई रिएक्ट आया नहीं, क्योंकि ग्रीवेंस ऑफिसर को हैवी पेड सैलरी देनी होती है ओटीटी की तरफ से, और वो एक सीईओ लेवल का अधिकारी होता, तो वो सारी दिक्कतें इनके पास आई। तो उस चीज को लेके 24 मार्च 2023 को क्या बताया गया कि प्लेटफॉर्म टू एक्सरसाइज अबंडेंट प्रिकॉशन। अब देखिए फिल्म्स, और आपको पता है ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं, नेटफ्लिक्स हो गया आपका, एमेजोन हो गया, तो ये सारे क्या है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, एमएक्स प्लेयर भी हो गया, तो ये इन सब पे हैवी क्राउड होते हैं, बहुत हैवी क्राउड होता है, हॉटस्टार हो गया, तो ये जो हैवी क्राउड है इनकी तरफ से हाईली प्रेशर है वो देखने के लिए, जितने भी आपके वीडियोस हो गए, मूवीज हो गए, वेब सीरीज हो गए, तो वही ये चीज बताया गया। अब एक और ये छोटी सी न्यूज आपकी इंपॉर्टेंट है, श्री शैली ओबरॉय मेयर बन गई है दिल्ली की, कहाँ की, दिल्ली की मेयर बन गई है श्री शैली ओबरॉय जी, और बीजेपी की जो कैंडिडेट थी उसने अपना नाम वापस ले लिया। क्या नाम था उनका, शिखा राय जी। तो ये छोटी सी न्यूज इंपॉर्टेंट है, चलते हम अगले पेज पे। अब देखिए अगले पेज पे भी सेम न्यूज है आपकी, ये शिखा राय जी है, ये कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है, ये आप
आम आदमी पार्टी से, और ये कहाँ से है, बीजेपी से। इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और ये बन गई है शैली ओबरॉय जी मेयर ऑफ दिल्ली। अब चलते हैं हम आगे, ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब एक ये वाली न्यूज देखने लायक है कि डीपीएस स्कूल होते हैं इस मथुरा में, एक डीपीएस स्कूल में एक अफवाह, एक मेल आया कि बॉम्ब से रिलेटेड या फिर एक्सप्लोजन से रिलेटेड ऐसी थ्रेट आई है। देखिए, ए डे रिसीव्ड ए बॉम्ब थ्रेट विया एन ईमेल। तो इसमें क्या हुआ है कि ये जो न्यूज थी वो फेक थी। क्या थी? फेक थी। तो ये सब पेरेंट्स अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए स्कूल में जमा, ये बताया गया। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। जिन लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है और वो फटाफट हिंदू की न्यूज के बारे में जानना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो फटाफट क्या कर ले, अपने नोट्स भी बना सकते हैं या फिर कम टाइम में द हिंदू पढ़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको डेली के डेली क्या आपको द हिंदू का एनालिसिस मिलता। चलते हैं हम आगे की तरफ। अब आगे क्या है, ये जो बारामूला का फ्लाईओवर है वो 20 दिन तक बंद रहेगा। द बारामूला कैरिज वे गोइंग आउट। अब ये देखिए, हजरत निजामुद्दीन दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास है, दिल्ली में है ये हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, और ये 20 दिन तक बंद रहेगा क्योंकि इस पे रिपेयर कार्य चल रहा है। तो जितने लोग दिल्ली से हैं तो उनके लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है कि इस साइड का रास्ता क्या करे, इग्नोर। चलते हम आगे की तरफ। अब आगे एक ये न्यूज इंपॉर्टेंट है कि सिटी एड्स 140 फ्रेश कोविड केसेस, 7 फैटलिटी। अब 7 लोगों की मृत्यु हो गई है और 1040 नए केस कोविड के आए। तो सेफ्टी बनाए रखे, सेफ रहिए, अपने घर में रहिए, और अगर काम ना हो तो बिना मतलब के इधर उधर ना घूमें, और सेफ्टी मास्क पहन के तो जरूरी रखना है बाहर भी से पहले। चलते हम आगे की तरफ। अब देखिए, एक ये न्यूज आपकी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, सिविक बॉडी कंसिडरिंग सेटिंग अप शेल्टर फॉर। अब अभी आपने 3 4 दिन पहले एक न्यूज आई थी कि जो गली में इधर उधर घूमने वाले डॉग्स होते हैं उसमें से एक डॉग की मृत्यु हो गई थी, किसी ने उसकी हत्या कर दी थी पिटाई करके। तो ऐसे लोगों को शेल्टर प्रोवाइड हो सके एनिमल वेलफेयर बोर्ड की तरफ से और एमसीडी की तरफ से भी ये लिया गया है। तो ये क्या होगा कि दिल्ली में क्या बनाया जाएगा, एक सिविक बॉडी बनाई जाएगी जिससे कि उन जो इधर उधर घूमने वाले स्ट्रे डॉग्स होते हैं उन्हें शेल्टर दी जा सके। चलते हैं हम आगे की तरफ। अब अगली न्यूज देखिए आपकी, ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी ये मैंने ऑलरेडी आपको इसका हिंट के बारे में बताया था कि एक पुलिस स्टेशन है वेस्ट बंगाल में, इसको इस पे अटैक कर दिया गया था, और वहां पे कहाँ पे था ये, कालियागंज, यहाँ पे आग लगा दी गई थी, कई सारे लोगों ने अटैक कर दिया था। तो श्री ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की सीएम है, उन्होंने क्या कहा कि जितने भी एक्यूजेस है जो उसके लिए जिम्मेदार है उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसको सील कर दिया जाए, जिससे कि उनके खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई। अब हम आगे चलते हैं। अब एक ये न्यूज राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट है, ओबीसी को लेके, कोटा को लेके फिर से क्या हुआ है, जयपुर आगरा हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया है और ये 6 दिन से लगातार चलता हुआ आ रहा है। अब देखिए, जो प्रोटेस्टर है वो, उनकी डिमांड क्या है, उनकी डिमांड है वो 12% सेपरेट रिजर्वेशन फॉर ए ग्रुप, मतलब 12% अलग से उन्हें ओबीसी में लाया जाए और 12% उन्हें अलग से रिजर्वेशन मिले हर सरकारी नौकरी में या फिर हर गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो उसके लिए धरना दिया जा रहा है और 6 दिन से जयपुर आगरा हाईवे बंद, और जिन बाकी जितने ट्रैफिक था उसको उसके अदर हाईवे से भेजा गया। अब ये कौन सा हाईवे है, ये नेशनल हाईवे 21 है। अब ये स्टार्ट कैसे हुआ था, अब देखिए स्टार्ट कैसे हुआ था कि एक व्यक्ति है, एक 48 ईयर ओल्ड पर्सन था जो कि सैनी कम्युनिटी से था,
तो सैनी कम्युनिटी में उसकी जो बॉडी है वो वहां लटकी हुई मिली थी, एक पेड़ से उसकी बॉडी लटकी हुई मिली प्रोटेस्ट वाली जगह पे। तो तब से ही ये लगातार प्रोटेस्ट जारी है और फैमिली मेंबर्स ने बॉडी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और वो डिमांड कर रहे हैं कंपनसेशन का और एक गवर्नमेंट जॉब को। तब से ही ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। अब देखिए प्रोटेस्ट कहां तक जाता है, कितने दिनों तक वो होता है। चलते हम अगली न्यूज पे। अगली हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज है, मेघालय की जो हिल्स काउंसिल टीम है वो त्रिपुरा जाएगी स्टडी करने। क्या स्टडी करने? ट्राइबल काउंसिल्स के बारे में। अब जो मेघालय खासी हिल्स है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसकी हेड कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर टीटो स्टार वेल काइंडे। ये आपकी विजिट करेंगी कहां? त्रिपुरा में। ट्राइबल काउंसिल्स के बारे में स्टडी करने वाले, उनकी दिक्कतों के बारे में जानने के लिए और क्या चीजें उन्हें बेटर प्रोवाइड की जा सकती है। चलते हम आगे की तरफ। अब ये देखिए, ये 1959 की एक न्यूज है कि दलाई लामा रिसीव 1959 में रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, तो ये याद रखने लायक न्यूज है। और इसके बाद आपका द फाउंडर ऑफ द धर्मशिला ऑन वेडनेसडे 64 ईयर्स आफ्टर इट वाज कंफर्म्ड ऑन हिम हिज ब्रदर गाइलो थोंडन रिसीव्ड द अवार्ड। तो उनके भाई को ये अवार्ड दिया, कब? उनके बिहाफ पे, कहां? मनीला के अंदर, अगस्त 1915। ये अवार्ड। चलते हम आगे की तरफ। आगे ये वाली न्यूज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई किया था, एक ऑर्डर जारी किया था इकोनॉमिक सेंसेटिव जोन्स में अराउंड को, जिससे कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर किया जा सके। लेकिन क्या हुआ, एक तो ESZ की आपकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए इको सेंसेटिव जोन एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच को लीड कर रहे थे वो जस्टिस BR गवई जी है। अब इसमें क्या हुआ कि लोग आवाजवाही को बंद नहीं किया लोगों ने, कि इट रीजन दैट ESZ कैन नॉट बी यूनिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री हैज टू बी प्रोटेक्टेड एरिया स्पेसिफिक। लास्ट ईयर कोर्ट ऑर्डर्ड द 1 किलोमीटर बफर जोन। अब देखो कोर्ट ने क्या कहा था कि शोक को एब्जॉर्ब करने के लिए, मतलब 1 किलोमीटर के जोन को क्या बना दिया गया? इको सेंसिटिव जोन बना दिया गया। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने वहां पे आना जाना बंद नहीं किया, तो जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रहा है, इसमें मॉडिफाई करने जा रहा है। तो ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है। अब एक ये महानदी का जो आपका ये वाली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि महानदी रो एक्सपर्ट क्वेश्चन टाइमिंग ऑफ। अब देखिए, छत्तीसगढ़ क्या करता है, महानदी के पानी को रोक के रखता है और जब उसका ओवरफ्लो होने लगता है तो वो पानी को रिलीज कर देता है और वो कहाँ जाता है? ओडिशा में, और जो बाढ़ का कारण बनता है। तो ये इसकी वजह से दोनों में क्या, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कंफ्लिक्ट बना हुआ। लेकिन अब क्या हुआ है कि ओडिशा गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि ओडिशा गवर्नमेंट कह रहा है कि जब भी आप पानी को छोड़े तो हमें बता दीजिएगा और लिमिटेड पानी को छोड़े, जिससे कि ओडिशा में कोई नुकसान। तो ये न्यूज भी आपकी इंपॉर्टेंट है, बाकी महानदी के बारे में पढ़ सकते हैं। एक ये न्यूज इंपॉर्टेंट है कि जो पॉपुलर मलयालम कॉमेडियन थे, कौन? मामुकियो, उनकी मृत्यु हो गई है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मामुकिया किस चीज से रिलेट करते थे, तो ये कॉमेडियन थे। चलते हम आगे की तरफ। अब एक ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए फार्मर्स, ये सब कौन है? पीजेंट्स है ये सब। तो इन्होंने खरीफ की 50 अलग तरह की वैरायटी शो की है, तो ये एक बहुत ही अच्छी फोटो शो की गई है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। ये न्यूज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है ट्रिपल टेस्ट फॉर कपल फेंसिंग लीगल हर्डल। अब देखो सरोगेसी क्या होता है,
आप सभी को ये एक इम्पोर्टेंट और नया वर्ड्स आप लोगों को लग रहा होगा कि सरोगेसी होता क्या है। सरोगेसी के अंदर जो पेरेंट्स बच्चा चाहते हैं या फिर पेरेंट्स नहीं बन सकते, तो वो क्या होता है, थर्ड वोमेन या मैन की हेल्प से क्या हो जाते हैं, रिलेशंस बनाते हैं। और उसके बाद क्या हो जाता है, वो बेबी होता है, और बेबी वो जो थर्ड पर्सन होता है वो उन पेरेंट्स को दे देता है, जिससे कि पेरेंट्स क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, या फिर एज अ पेरेंट्स बन के तो सबको अच्छा ही फील होता होगा। तो ये सरोगेसी में आता है। तो इसमें काफी टफ रूल्स थे, और ये रेगुलेशन कब आया था, 2021 में इसको लीगल कर दिया गया था। लेकिन अब क्या किया गया है कि इसके अंदर कुछ लीगल हर्डल्स काफी ज्यादा थे, लेकिन उन लीगल हर्डल्स को सोल्व किया गया। तो ये आपकी न्यूज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अब एक ये न्यूज हल्की सी आप देख लीजिए कि इंडियन सिटीजन इन यूके आइडेंटिफाइड एज मेन सस्पेक्ट इन डाटा थेफ्ट। आगे की तरफ चलते हैं। अब मैंगो थेफ्ट पुलिस, एक ये बहुत ही फनी सी न्यूज है कि आम चुराने की वजह से एक पुलिस ऑफिसर जो कि सिविल पुलिस ऑफिसर था, उसको अपनी सर्विस से हटा। अब ये कब की बात है, ये 10 अक्टूबर, वो सॉरी अक्टूबर की बात है, पिछले साल क्या हुआ था कि 10 किलो आम चुराने की वजह से वो सीसीटीवी में सोशल मीडिया पे वायरल हो गए थे, और जिसकी वजह से उन्हें रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया। चलते हम आगे की तरफ, पेज नंबर 10। अब देखिए पेज नंबर 10 पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि द चार्ट और एंड मैप्स बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट सेंसस ऑफ द रिपोर्ट वाटर बॉडी। अब देखो ये क्या है कि ये वाटर का रिसोर्स है, वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स है, तो किस किस जगह कितना कितना वाटर अवेलेबल है, या फिर अक्रॉस पूरे भारत में तो सबसे ज्यादा वाटर किस में है, ऑलमोस्ट 60% के पास है पॉन्ड्स के पास, इसके बाद टैंक्स में है, फिर रिजर्वॉयर्स में है, या फिर अदर्स में है, और लेक्स में है, और सबसे ज्यादा देखो किसके पास है, ये मणिपुर, और ये पूरा इसका ग्राफ है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते। चलते हम आगे की तरफ, इस न्यूज को देख लीजिए। ईरान कोर्ट इश्यूज ए पेनल्टी अगेंस्ट द यूएस ओवर 2017 अटैक। अब ईरान कोर्ट ने क्या करा है, यूएसए के खिलाफ 2000, यूएस ने क्या करा था, 2017 में अटैक किया था, तो उसमें 312.9 मिलियन का सैंक्शंस लगाया गया है ईरान कोर्ट की तरफ से। अब देखिए आगे क्या होता है, देखिए न्यूज आपकी इंपॉर्टेंट है कि अमाउंट रिलीज बाय द गवर्नमेंट टू पीएलआई बेनिफिशियरीज सो फार, कितना अभी तक रिलीज कर दिया गया है, 2,874 करोड़। अब आगे की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन इवैक्यूएटेड फ्रॉम सुडान टू, तो कितने टोटल, पहले बैच में 278, अब 157 नर्सिंग कॉलेज ओपन किए गए हैं नए, और 60%। देखिए सुडान की जो कैपिटल है वो खार्टूम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी दिनों से न्यूज में भी बना हुआ है। चलते हम आगे की तरफ, अब एक न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, इसमें क्या हुआ था कि एक इश्यू आया था, आपको सबसे पहले इसके बारे में जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का न्यूक्लियर लाइबिलिटी लो कंटिन्यू टू होल्ड अप मोर देन ए डिकेड, एक लगभग एक दशक हो गया है कि एक 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स बनाने की बात हुई थी महाराष्ट्र जैतपुर, जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर जनरेशन साइट था, अंडर कंसिडरेशन एट प्रेजेंट एन ऑफिशियल एट द फ्रेंच, और किसकी मदद से, फ्रांस की मदद से, जिसमें क्या होना था कि कंस्ट्रक्शन होनी थी टोटल 9,900 मेगावाट प्रोजेक्ट था। लेकिन अब इसमें क्या हो गया है कि इसके अंदर कुछ इश्यूज आ गए हैं, कौन कौन से इश्यूज आ गए हैं कि लॉज ऑन सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी इंश्योर दैट कंपनसेशन। अब देखो क्या इश्यूज क्या ये है इसके अंदर कि जो भी डैमेज हुआ है न्यूक्लियर की वजह से, तो उन सब को क्या कंपनसेशन दिया जाए, डिजास्टर की वजह से,
या फिर अदर जितनी भी ट्रेजडीज हुई है उसमें आपका क्या दिया जाए, कंपनसेशन दिया जाए वर्कर्स को, या फिर जिन्होंने ये सहा है या फिर जिनकी मृत्यु हो गई है, और प्लस में साथ में जॉब भी चाहिए। और ये लॉज काफी इम्पोर्टेंट है, ये लॉज देख लीजिए, 1986 का चेर्नोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट, तो आप सभी को पता ही होगा, द अम्ब्रेला कन्वेंशन ऑफ सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, जो कि आपका 1997 में अडॉप्ट किया था। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है कंसेप्ट ऑफ सप्लायर लायबिलिटी ओवर एंड अबाउ द ऑपरेटर्स इन इट्स रिगर्ड सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी। चलते हैं हम आगे की तरफ। अब ये देखिए, ये बहुत ही, ये बुक से रिलेटिंग क्या है, एक पिक्चर ली गई है जो कि आपका एनुअल क्वीड प्राइड मनाने के लिए 2019 में ही आपको जाए। चलते हम आगे की तरफ। अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चंस होंगे आपके, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप, मैंने आपको बताया था कि चेर्नोबिल डिजास्टर, ये आपका क्या था, दिस इंसिडेंट इज ऑल्सो रेटेड एट 7 ऑन द इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल, और इसमें 7 पॉइंट्स में मिला था क्या, और फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर इन जापान, ये आपका फर्स्ट वाला। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। कंसिडर द वोस्ट एक्सीडेंट इन यूएस कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट हिस्ट्री, तो सबसे वोस्ट कौन सा था, 3 माइल आइसलैंड एक्सीडेंट। अगला क्या है आपका, द पर्सन इज नोन एज द मोस्ट रेडियो एक्टिव ह्यूमन एवर, कौन से पर्सन को मोस्ट रेडियो एक्टिव ह्यूमन एवर बताया गया है, वो है आपका क्या, एल्बर्ट स्टीवंस, ही वॉज इंजेक्टेड विद प्लेटोनियम। अगला क्वेश्चन है आपका, टू न्यूक्लियर एक्सीडेंट विच ओकर्ड इन 1957 इन द यूके एंड द सोवियत यूनियन, वो कौन से आपके, विंडस्केल फायर इन द यूके एंड खासम्स डिजास्टर इन सोवियत यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लाइज इन 1957 सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, दिस स्पीच इज डी एलन सावर लेड बाय द फाउंडेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका क्या आंसर होगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एटम्स ऑफ पीस स्पीच। आखिरी क्वेश्चन आपका, विजुअल आइडेंटिफाई द सिंगर एंड सॉन्ग ही रिकॉर्डेड अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेनेट, तो ये सॉन्ग किसने गाया था, टाइम विल क्रॉल बाय डेविड बोवी। चलते हैं हम आगे की तरफ। अब ये आपको बता ही दिया है कि 2 साल का सबसे बड़ा माओइस्ट अटैक था जिसमें 10 जवान शहीद हो गए हैं, और ये 2 साल का अब तक का सबसे बड़ा अटैक दंतेवाड़ा में ये किया गया है, छत्तीसगढ़ में जो आता है। अब ये वाली न्यूज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि एनिमल वेलफेयर एंड वेटरनरी मिनिस्टर, एनिमल वेलफेयर एंड वेटरनरी मिनिस्टर कौन है, एलेक्जेंडर लाल लल्लू हक, ठीक है, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट थी। अब नीड फॉर स्टेट एक्शन वॉज फेल्ट इन ट्रिपल तलाक इश्यूड बाय सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें, थोड़ी सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम आगे की तरफ। अब ये देखिए, ये कौन है, मिस्टर मिस्टर तुषार मेहता, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया कि एक राइट टू मैरी इज नॉट एब्सोल्यूट, अभी 2-3 दिन से काफी न्यूज में चल रहा है ये कि जो इक्वल मैरिज राइट्स है, जैसे कि आपका सेम सेक्स से रिलेटेड हो गया या फिर इक्वल पर्सन से रिलेटेड, तो उसके बारे में क्या कहा है कि ये आपका क्या है, ये एक स्पेशल केस है, मेयर जुडिशियल डिक्लेरेशन है, रिकॉग्नाइजिंग सेम सेक्स मैरिज वुड नॉट बी इनफ द फॉल आउट, तो इसके लिए इन्होंने कहा कि अलग से एक बेंच बैठनी चाहिए और तब इसमें एक स्पेशल मैरिज एक्ट बनाना चाहिए, तब जाके जेंडर न्यूट्रल होगा एंड शुड बी डेबेटेड इन पार्लियामेंट, और इसको पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहिए। चलते हैं हम आगे की तरफ। इंडिया इंटेंड टू मेक हेल्थ केयर अफोर्डेबल फॉर होल वर्ल्ड, ये मोदी जी ने कहा है कि सभी के लिए हेल्थ क्या होगी, आसान होगी। चलते हैं हम आगे की तरफ। ओनली हाफ ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना इंश्योरेंस क्लेम सेटल्ड इन 2 साल में, अभी तक जितने भी
एक्सीडेंट हुए उसका 50% ही क्लेम हो पाया है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकॉर्डिंग। अब अभी आपको पता है कि दो चीता की मृत्यु हो गई थी, तो दो चीता की मृत्यु होने के बाद किसकी वजह से हुई? ऑफिशियल्स ने कहा ये कार्डियो पल्मोनरी फेलियर हुआ था जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। ये ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि 157 नर्सिंग कॉलेज को अप्रूवल मिल गया और जल्दी ओपन कर दिए जाएंगे। ये साउथ सूडान, ये सूडान से लेके आया गया है इनको नई दिल्ली के अंदर। टोटल कितने 360 व्यक्तियों को लेके आया गया। अब ये वाली न्यूज थोड़ी सी देख लीजिए, ये सब सूडानीज के पीपल हैं जो कि बॉर्डर पे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सूडान में आंतरिक युद्ध स्टार्ट हो गया है और अपनी जान को बचाने के लिए लोग ट्रक से जो भी चीज मिले उससे अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर। अब पोप ने क्या किया है, वुमेन्स को अलाउ कर दिया वोट करने के लिए बिशॉप्स मीटिंग में, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। चलते हैं आगे की तरफ। अब चाइना ने क्या किया है, लार्जेस्ट एवर एक्सपेंशन किया अपना न्यूक्लियर आर्म्स में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब आगे की तरफ चलते हैं कि यूएस ने क्या किया है, न्यूक्लियर सबमरीन को साउथ कोरिया भेज दिया है नॉर्थ कोरिया की वजह से। अब ये हल्का सा इंपॉर्टेंट है आपका, सेंटर टेल स्टेट टू स्क्रैच लिवाइज ऑन पावर जनरेशन, तो पावर जनरेट करने के लिए सेंटर ने कुछ नए रूल्स बना दिए गए हैं। कौन कौन से रूल्स है ये आपके स्ट्रेस, देयर आर नो प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी तक तो अवेलेबल नहीं था, लेकिन नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए गए हैं जो कि आपके पावर जनरेशन से रिलेटेड होंगे, जिससे कि चीजों को टैक्स थोड़े से बढ़ा दिए गए हैं और भी काफी सारी चीजें जो इसमें क्या कर की गई है, इजी भी की गई। अब एक ये चीज नेस्कॉम की रिपोर्ट आई गई है कि पेटेंट लेने के लिए इस साल 13.6% फिस्कल ईयर 2012 से इंडिया में राइज हुआ, मतलब बिजनेस को, नए बिजनेस को बढ़ावा। बाकी एक ये न्यूज हल्की सी आप देख लीजिए कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने आरसीबी को हरा दिया। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप आप सब लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और आपने द हिंदू को अच्छे से पढ़ लिया होगा। जितनी भी समरीज है वो आपको हमने बता दी है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसके आप नोट्स आप बना सकते हैं और अपने डेली के डेली नोट्स बनाते चलिए, और कम समय में द हिंदू पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना। थैंक यू।